Now next one is session will just discuss करेंगे how to deleting given element from a existing array. Suppose that आपके पास कोई भी array available है, array में से आपको remove क्या कराना है given element. Just previous session में remove क्या कराया था, either first element or last element. लेकिन इस केस में just remove क्या करा हुए, given elements. For example, given element is 14. We are calling delete function like that way. Suppose that इस केस में यूजर डिफाइंड फंक्शन क्रिएट किया जाए डिलीट, तो डिलीट के केस में रिक्वायर्ड इनपुट्स क्या हो, सबसे पहले उस एरे का एड्रेस पास करो जिस एरे के रिस्पेक्ट में डिलीट ऑपरेशंस परफॉर्म कराना, देन एरे के रिगार्डिंग ओनली रिक्वायर्ड क्या हुआ, करंट साइज ऑफ एरे, करंट साइज रिप्रेजेंट करेंगे एन के थ्रू प्लस थर्ड आर्गुमेंट में सप्लाई क्या करें, जैसे इस करेंटली बात करें इस एरे का मैक्सिमम साइज मैंने डिफाइन किया जाए 10, दिस एरे कंटेनिंग 10 एलिमेंट्स, लेकिन करंट साइज क्या इसका जस्ट 7, 1 2 3 4 5 6 7, करंट साइज मीन्स नंबर ऑफ अवेलेबल एलिमेंट्स प्लस करंट साइज मैनेज किस फॉर्म में करें, इन द फॉर्म ऑफ सेपरेट वेरिएबल कॉल्ड एज एन, इसलिए 7 के प्लेस पर जस्ट मैंने सप्लाई क्या किया एन, थर्ड आर्गुमेंट क्या पास करोगे डिलीटेड आइटम और आइटम विच यू वॉन्ट टू डिलीट, इस केस में जस्ट मैं डिलीट ऑपरेशन किसके लिए अप्लाई करना चाहता हूँ 40 के लिए, सबसे पहले इसके रिगार्डिंग में लॉजिक्स इंप्लीमेंट करें, लॉजिक्स कंप्लीट होने के बाद देन फाइनली डिलीट फंक्शन इंप्लीमेंट करें देन रिस्पेक्ट टू मेन फंक्शंस, क्लियर, डिलीट के रिस्पेक्ट में जस्ट पास किया हुआ 40, तो 40 के रिस्पेक्ट में फर्स्ट ऑपरेशन डिलीट ऑपरेशन जस्ट टू स्टेप्स में कंप्लीट होंगे, फर्स्ट स्टेप सबसे पहले जो भी आप गिवन एलिमेंट सप्लाई कर रहे हो इस एलिमेंट को सबसे पहले या गिवन एलिमेंट का पोजीशन सर्च करो इन द एरे, क्लियर, फर्स्ट केस क्या सर्चिंग गिवन आइटम, सर्चिंग के रिस्पेक्ट में जस्ट टू पॉसिबल केस होंगे, या तो एलिमेंट एग्जिस्टिंग हो या फिर नॉन एग्जिस्टिंग हो, करंट केस में 40 एग्जिस्टिंग है, सपोज दैट 40 के प्लेस पर अगर मैं 100 पास करता हूँ यानी इस एरे के अंदर 100 कैसा एलिमेंट है, एग्जिस्टिंग नॉन एग्जिस्टिंग, नॉन एग्जिस्टिंग, अगर गिवन आइटम फाउंड ही नहीं रहा देन उस केस में डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म करना पॉसिबल नहीं, क्लियर, देन तो सबसे पहले परफॉर्म क्या कराएंगे सर्च ऑपरेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल सर्च इंडेक्स, सर्च में जस्ट सर्च क्या करो सर्चिंग इंडेक्स ऑफ गिवन आइटम, फॉर एग्जाम्पल इस केस में सबसे पहले 40 को मैच किससे करा वो इंडेक्स 0 से, नेक्स्ट टाइम 0 के 0 इंडेक्स में फाउंड किया 10 से 40 मैच हो रहा है क्या, 40 का इस केस में गिवन नॉट मैचिंग, देन नेक्स्ट टाइम सेम एलिमेंट 40 मैच किससे करा हुआ कि नेक्स्ट एलिमेंट से इंडेक्स 1 के आइटम से, इस केस में क्या फाउंड हो रहा है जस्ट 20 इक्वल 40 अगेन फॉल्स, देन अगेन नेक्स्ट टाइम मैच कैसे कराऊँ नेक्स्ट एलिमेंट, मीन से मैचिंग कब तक होगा थ्रू आउट कंप्लीट एरे, मीन जब तक मैचिंग सक्सेस नहीं हो जाता, क्लियर, देन नेक्स्ट टाइम 40 मैच कैसे रहो एरे के नेक्स्ट एलिमेंट से, नेक्स्ट एलिमेंट क्या 30 इक्वल 40 कंडीशन फॉल्स, अगेन इसको मैच कराएंगे नेक्स्ट एलिमेंट, क्लियर 40, देन 40 इक्वल 40 कंडीशन इज ट्रू, मीन इस केस में एलिमेंट मैच हो रहा है, मैच होने के केस में करेंटली जिस प्लेस पर ये आइटम मैच हुआ प्लेस का इंडेक्स क्या है जस्ट 3 और इंडेक्स एवरी टाइम मैनेज किससे कराऊँ, मीन्स यहाँ ये पर्टिकुलर गिवन आइटम एवरी टाइम मैच किससे हुआ ए ऑफ आई के साथ, फर्स्ट टाइम आई का वैल्यू क्या पास हुआ होगा समथिंग 0 इन दैट केस, सेकेंड केस में आई का वैल्यू क्या पास हुआ होगा 1, थर्ड केस में 2, करंटली क्या पास हुआ जस्ट 3, जैसे इस केस में आई का वैल्यू 3 पास हुआ इमीडिएटली एलिमेंट मैच हो चुका, तो इस केस में जस्ट इंडेक्स मैनेज किस फॉर्म करें इन द फॉर्म ऑफ आई, तो करंटली आई का वैल्यू क्या हो चुका है इसके अकॉर्डिंग जस्ट 3, देन जैसे ही एलिमेंट मैच हो रहा है इमीडिएटली ऑपरेशन स्टॉप कराओ, ऑपरेशन को ब्रेक करो, ऑपरेशन सारे के सारे किस फॉर्म में इन द फॉर्म ऑफ लूप, मीन्स लूप का एग्जीक्यूशन जस्ट ब्रेक करेंगे, दूसरा पॉसिबल केस क्या, सपोज दैट अगर सर्चिंग एलिमेंट क्या है 400, देन 400 इस एरे के अंदर कहीं फाउंड हो रहा है क्या, नहीं थ्रू आउट एरे कहीं भी फाउंड नहीं होगा मीन्स टिल द एंड एलिमेंट्स, अगर कहीं भी फाउंड नहीं हो रहा है देन उस केस में जस्ट कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करने की नीड नहीं है, देन इसके लिए कंडीशन मैं बाद में अप्लाई करूंगा, फाइनली सबसे पहले परफॉर्म क्या किया सर्च ऑपरेशन, सर्च ऑपरेशन के बेसिस पर फाइंड आउट क्या किया है इंडेक्सड पोजिशन ऑफ सर्चिंग एलिमेंट, एक बार आपको एलिमेंट का पोजिशन सर्च हो गया देन जस्ट परफॉर्म क्या करेंगे सेकेंड केस में, सेकेंड स्टेप में परफॉर्म क्या हुआ डिलीट ऑपरेशन, डिलीट ऑपरेशन नथिंग बट सिंपली इट इज अ डेटा शिफ्ट ऑपरेशन, फॉर एग्जांपल लॉजिकली, लॉजिकली जैसे ही से एरे से आप 40 को डिलीट करोगे देन इमीडिएटली ए प्लेस लॉजिकली कैसा है एम्प्टी और नॉन एम्प्टी, करंट प्लेस बिकम्स एम्प्टी, अगर ए प्लेस एम्प्टी है देन एम्प्टी प्लेस के केस में एरे का जस्ट बेसिक रूल क्या है एरे के मिडिल में इन बिटवीन ऑफ एलिमेंट कभी भी ब्लैंक स्पेस नहीं होना चाहिए, एम्प्टी प्लेस नहीं होना चाहिए क्योंकि एरे के अंदर सारे एम्प्टी प्लेस का मेंटेन करोगे राइट पोजिशन ऑफ द एलिमेंट, लेकिन इस केस में ब्लैंक 50 के लेफ्ट पोजिशन में फाउंड हो रहा है, तो इस ब्लैंक स्पेस को ब्लैंक्स को फिलअप करने के लिए सारे एलिमेंट वन पोजिशन लेफ्ट में शिफ्ट कराओगे, शिफ्टिंग के रिस्पेक्ट में बात करें करंटली जिस एलिमेंट का इंडेक्स 4 है, इंडेक्स 4 में क्या फाउंड हो रहा है जस्ट 50,
इंडेक्स 4 का एलिमेंट किस इंडेक्स में ट्रांसफर होगा, जस्ट 3, क्लियर। मीन्स इंडेक्स 4 किसका है, इंडेक्स 4 में फाउंड क्या हो रहा है 50, दिस इज गोइंग टू इंडेक्स 3, मीन्स इस प्लेस पर जस्ट आप कॉपी किया करा लोगे 50, इस प्रीवियस केस में इस प्लेस पर क्या था 40, ना 40 इज रिप्लेस्ड बाई न्यू एलिमेंट 50। सिमिलरली 60 को कहाँ शिफ्ट, मीन्स 50 इस प्लेस पर शिफ्ट हो चुका था, 50 का करंट प्लेस कैसा कंसिडर करें, लॉजिकली बिकम्स एम्प्टी, यानी इस प्लेस को एम्प्टी प्लेस को अगेन फिलअप करने के लिए इस प्लेस पर कॉपी किया करा वो 60, एग्जिस्टिंग एलिमेंट क्या था 50 ऑलरेडी प्रीवियस में शिफ्ट हो चुका था, लॉजिकली ये प्लेस कैसा एम्प्टी, देन इस प्लेस पर जस्ट कॉपी किया जाएगा 60 का करंट इंडेक्स क्या है 5, प्लस इस शिफ्ट किस इंडेक्स में हो रहा है, जस्ट इंडेक्स 4, क्लियर। नेक्स्ट टाइम इस प्लेस पर 60 कॉपी हो जाएगा, देन 50 रिप्लेस किस हो जाएगा, जस्ट 60 से, देन 60 का जो करंट प्लेस था लॉजिकली प्लेस कैसा है एम्प्टी, अब 60 के गैप को फिलअप करने के लिए जस्ट 60 के प्लेस पर कॉपी क्या हो जाएगा 70, और 70 का करंट इंडेक्स क्या था 6, न्यू इंडेक्स क्या है इसके इसमें जस्ट 5। नेक्स्ट टाइम इसके बाद फर्दर कोई एलिमेंट फाउंड हो रहा है क्या शिफ्ट करने के लिए, नहीं, देन लॉजिकली 50 ऑलरेडी इस प्लेस पर शिफ्ट हो चुका 70, देन 70 का प्रीवियस प्लेस कंसिडर करो एज लॉजिकली एम्प्टी, क्लियर, दिस इज द ऑपरेशन। तो इस केस में मीन्स फर्स्ट केस सबसे पहले फर्स्ट लॉजिक क्या था, सर्चिंग इंडेक्स ऑफ द गिवन एलिमेंट, एक बार आपने इंडेक्स सर्च कर लिया, इंडेक्स फाउंड हो रहा है, एलिमेंट फाउंड हो रहा है, एंड इसके जस्ट बाद परफॉर्म क्या करा हुए डेटा शिफ्ट ऑपरेशन और डेटा शिफ्टिंग, मीन्स डिलीट ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में एवरी टाइम आपको रिक्वायर्ड किया हुआ डेटा शिफ्ट ऑपरेशन, जैसा कि आपने प्रीवियस केस में भी चेक किया था, डिलीटिंग फर्स्ट, जब मैंने एरे का फर्स्ट एलिमेंट डिलीट किया था देन पोजिशन कैसा था एम्प्टी, इस पोजिशन को फिलअप करने के लिए सारे के सारे एलिमेंट लेफ्ट पोजिशन में शिफ्ट कराए, प्लस इस केस में आई का वैल्यू क्या 3, मीन्स इस प्लेस पर ये पर्टिकुलर रेंज रिप्रेजेंट किससे हो रहा 3 से, और एवरी टाइम आई में क्या परफॉर्म हुआ जस्ट इंक्रीमेंट, लेकिन एलिमेंट जिस प्लेस से शिफ्ट हो रहा है उसका इंडेक्स क्या हुआ आई प्लस 1, मीन्स ए ऑफ आई में जस्ट असाइन क्या करा हुए ए ऑफ आई प्लस 1, दिस इज द शिफ्ट ऑपरेशन, प्लस ए ऑपरेशन लूपिंग के फॉर्म में होंगे, क्लियर। नेक्स्ट वन, इसके अलावा वन मोर पोजिशन केस क्या हो सकता है, अगर एरे सपोज दैट एरे ऑलरेडी एम्प्टी है, अगर एरे एम्प्टी है तो उसके इसमें डिलीट ऑपरेशंस परफॉर्म करना पॉसिबल है, और एम्प्टी एरे का साइज क्या होगा ऑलवेज 0, लॉजिकल साइज और करंट साइज क्या होगा 0, मीन्स 0 किसके थ्रू, मैंने जो एन के थ्रू, अगर एन का वैल्यू 0 है तो उसके इसमें डिलीट ऑपरेशंस परफॉर्म करना पॉसिबल है, तो सबसे पहले आप एम्प्टी कंडीशन चेक करोगे, इसके इसमें एरे से रिटर्न क्या कराएंगे, सॉरी जब इस डिलीट फंक्शन को इंप्लीमेंट कराएंगे तो उसे रिटर्न क्या कराएंगे रिटर्निंग इंडेक्स ऑफ द सर्चिंग प्लेस, सॉरी डिलीटेड प्लेस, मीन जिस प्लेस का एलिमेंट डिलीट हो रहा है उस प्लेस का जस्ट इंडेक्स वैल्यू रिटर्न कराओ, तो इंडेक्स वैल्यू के रिस्पेक्ट में बात करें आई के रिस्पेक्ट में इंडेक्स एवरी टाइम चेंज हो जाएगा, क्यों लास्ट टाइम आई की प्लेस पर क्या था 5, जबकि इंडेक्स ऑलरेडी करंट इंडेक्स क्या है डिलीटेड एलिमेंट का 3, बार बार आई में इंक्रीमेंट होगा तो आई में क्या जाएगा इंडेक्स ऑफ लास्ट एलिमेंट, इसलिए आई के करंट इंडेक्स को मैनेज करने में सेपरेट वेरिएबल्स यूज कर लेंगे, जिसको लास्ट टाइम में रिटर्न कराएंगे, फंक्शन का रिटर्न टाइप यूज करेंगे एज अ इंटीजर टाइप, फंक्शन नेम इज डिलीट, आर्ग्यूमेंट टाइप फर्स्ट आर्ग्यूमेंट पास क्या करोगे एड्रेस ऑफ एरे, सेकेंड आर्ग्यूमेंट क्या पास होगा इसके अंदर जस्ट साइज ऑफ एरे, थर्ड आर्ग्यूमेंट पास क्या कराएंगे आइटम विच यू वांट टू डिलीट, टोटल 3 एलिमेंट्स और 3 इनपुट्स पास हो रहे हैं, क्लियर। नेक्स्ट वन, तो सबसे पहले आप इसके इसमें ट्राई केस क्लिक करोगे अप्लाइंग सर्चिंग इंडेक्स ऑफ द गिवन एलिमेंट, तो इंडेक्स सर्च करने के लिए जस्ट लूपिंग स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट होगी, तो उसके इसमें जस्ट लूप के रिस्पेक्ट में क्रिएट क्या करें वन मोर वेरिएबल इज आई, क्लियर, इटरेटिव वेरिएबल इज आई। नेक्स्ट केस सर्च करने के लिए जस्ट सिंपल वे क्या रहेगा फोर, सर्चिंग किस इंडेक्स से स्टार्ट करो फ्रॉम जीरो इंडेक्स ऑनवर्ड, इसलिए आई का इनिशियलाइजेशन किससे कराओगे जस्ट जीरो, कंडीशन का क्या है इस केस में अप टू एन आई प्लस प्लस। नेक्स्ट वन, लूप के अंदर जस्ट इफ कंडीशन अप्लाई करेंगे इफ ए ऑफ आई, मीन्स अगर आई इंडेक्स का करेंट एलिमेंट गिवन आइटम के साथ मैच होता है देन उस केस में आपको सर्च ऑपरेशन कंटिन्यू करने की नीड है क्या, नहीं, मीन्स सर्चिंग कब तक कराओ जब तक इफ कंडीशन ट्रू नहीं हो जाता, जैसे इफ कंडीशन ट्रू होगा देन आपको मीन्स इफ कंडीशन कब ट्रू होगा जब आईथ इंडेक्स का एलिमेंट आइटम के साथ मैच हो रहा है, तो करंट एग्जांपल में 40 पास किया आइटम 40 मैच किससे हो रहा है जब आई का वैल्यू 3 होगा उस केस में जस्ट इस प्लेस पर क्या था 40 50 एंड 60 किस इंडेक्स के एलिमेंट से मैच हो रहा है इन अवर आई बिकम्स 3, तो आई का वैल्यू जैसे ही 3 हुआ इसके इसमें ए ऑफ 3 का वैल्यू का इक्वलेंट टू आइटम, देन आपको फर्दर सर्च ऑपरेशन कंटिन्यू करने की नीड है क्या, नहीं, देन इमीडिएटली इस लूप को
ब्रेक कराएंगे। दिस मीन्स इस लूप के थ्रू जस्ट परफॉर्म क्या हो रहा है, अप्लाई क्या हो रहा है, सर्च ऑपरेशन, सर्चिंग इंडेक्स प्लस जिस एलिमेंट को सर्च कर रहे थे एलिमेंट क्या था 40 का इंडेक्स क्या 3 जो कि ऑलरेडी आई के पास अवेलेबल है, क्लियर, अकॉर्डिंग टू ऑपरेशन। देन सर्च ऑपरेशन स्टॉप करके मीन जैसे ही कंडीशन सेटिस्फाई को ब्रेक स्टेटमेंट के थ्रू करंट लूप का एग्जीक्यूशन स्टॉप हो जाता है ना, वो अप्लाई किया करा डेटा शिफ्ट ऑपरेशन। लेकिन शिफ्ट ऑपरेशन परफॉर्म करने से जस्ट पहले आपको चेक क्या करना होगा, मीन्स इज दिस एरे इज एम्प्टी और नॉन एम्प्टी। तो इस केस में जस्ट मैं फॉरगेट हो गया, भूल गया था इस केस में, मीन्स सर्च ऑपरेशन अप्लाई करने से पहले आप चेक क्या करोगे, एम्प्टी कंडीशन। लॉजिक सर्च का लॉजिक सेम रहेगा, जिसमें इसको नीचे मूव कर रहा हूँ, इससे पहले टेस्ट करेंगे कंडीशन एम्प्टी। तो एम्प्टी कंडीशन क्या हुआ, इफ वैल्यू ऑफ एन इज जीरो, अगर एन का वैल्यू जीरो देन इस केस में डायरेक्टली क्या रिटर्न कराओगे, माइनस वन। अगर एलिमेंट सक्सेसफुली डिलीट हो रहा है देन रिटर्न क्या कराएंगे, डिलीटेड एलिमेंट का इंडेक्स। बट सपोज दैट एलिमेंट नॉन एग्जिस्टिंग है या फिर करेंटली साइज क्या है इसका जीरो, दोनों ही केसेस में जस्ट रिटर्न क्या कराओगे, माइनस वन। माइनस वन कितने केसेस में रिटर्न होगा, जस्ट टू केस, आइदर एलिमेंट इज नॉट फाउंड और साइज इज जीरो। सबसे पहले अभी मैंने किस केस में अप्लाई किया, जस्ट एम्प्टी केस में। सेकंड केस में एलिमेंट को सर्च करेंगे आई इक्वल्स टू जीरो, सेम लॉजिक्स अगेन राइट कर रहा हूँ, आई लेस देन एन आई प्लस प्लस। देन जस्ट इस केस में अप्लाई क्या किया था, इफ कंडीशन, इफ करेंट एलिमेंट इज इक्वल इक्वल्स टू गिवेन आइटम देन इमीडिएटली ब्रेक दिस लूप, क्लियर। देन ब्रेक करने के जस्ट बाद टू पॉसिबल केस होंगे, या तो आई के पास वैलिड इंडेक्स होगा, दूसरा पॉसिबल केस क्या हो सकता है, सपोज दैट आइटम नॉन एग्जिस्टिंग है, मीन्स 40 कैसा है एग्जिस्टिंग, क्लियर। 40 एलिमेंट कैसा है इस केस में, 40 इज अ एग्जिस्टिंग एलिमेंट, बट सपोज दैट 40 के प्लेस पर अगर 400 पास किया गया होता, देन अगेन इस केस में भी कंडीशन कैसा होता, फॉल्स, इस 400 इक्वल इक्वल 40 फॉल्स, देन आई का वैल्यू क्या होता 4, देन 4 इंडेक्स से मैच कराते 400 इक्वल इक्वल 50 फॉल्स, देन आई का वैल्यू क्या हो जाता 5, देन 50 इंडेक्स से मैच कराते फॉल्स, देन आई का वैल्यू क्या होता है इस केस में इंक्रीमेंट होने का 6, 6th इंडेक्स के एलिमेंट्स मैच कराते 400 इक्वल इक्वल 70 फॉल्स, देन आई में इंक्रीमेंट होता तो आई की वैल्यू क्या हो जाती 7, 7 लेस देन 7 कंडीशन बिकम फॉल्स। अगर i का वैल्यू n के इक्वल हो चुका है देन इस केस में एलिमेंट कैसा होगा, नॉन एग्जिस्टिंग, मीन्स नॉन एग्जिस्टिंग मीन्स अगर आइटम फाउंड नहीं हो रहा उस केस में कंडीशन क्या बन जाएगा, चेक कर सकते हो इस केस में n का वैल्यू भी क्या 7, और जब कंट्रोल लूप से बाहर आएगा उस केस में i का वैल्यू भी क्या फाउंड होगा 7, मीन्स दोनों के वैल्यू कैसे सेम, दिस इज द एन अदर कंडीशन। मीन्स इस केस में जस्ट कंट्रोल जब लूप से बाहर आएगा, लूप से बाहर आने के केस में कंडीशन क्या अप्लाई करोगे, इफ i इक्वल इक्वल n, अगर i का वैल्यू n के इक्वल है देन इस केस में जस्ट आपको परफॉर्म क्या कराना है, इमीडिएटली अगेन रिटर्निंग माइनस वन। मीन्स इस केस में कोई डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म ही नहीं हुआ, जब आइटम ही फाउंड नहीं हो रहा देन उस केस में कोई डिलीट ऑपरेशन अप्लाई नहीं हुआ, अगर डिलीट ऑपरेशन अप्लाई नहीं हुआ देन उस केस में अगेन क्या रिटर्न कराओगे, माइनस वन। इन लॉजिक्स को रिड्यूस करना पॉसिबल है, इसे दोनों इफ कंडीशन सिंगल प्लेस पर भी राइट करना पॉसिबल है, क्लियर। इस केस में अगर इस इफ कंडीशन को दोनों के साथ कंबाइंड करो तो इस केस में आप अप्लाई क्या कर सकते हो, अदर कंडीशन और एन इक्वल इक्वल जीरो, इन दोनों ही केस में क्या रिटर्न कराना है आपको, माइनस वन। मीन्स लाइक दैट, मीन्स दोनों इफ कंडीशन मैंने सिंगल इफ में कन्वर्ट कर दी। मीन्स अगर इनमें से एक भी कंडीशन ट्रू कंबाइंड कैसे कराए और ऑपरेटर से, अगर एक भी कंडीशन ट्रू, या तो आई का वैल्यू एन के इक्वल है या फिर n जीरो है या n का वैल्यू जीरो के इक्वल है, दोनों ही केसेस में रिटर्न क्या हुआ, जस्ट माइनस वन, क्लियर। नेक्स्ट वन, बट सपोज दैट अगर इफ कंडीशन फॉल्स है देन कंट्रोल इस केस में रिटर्न स्टेटमेंट को चांस मिलेगा क्या, नहीं। नेक्स्ट लेवल पर आपको else ब्लॉक राइट करने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्टली क्या राइट कर सकते हो, अप्लाइंग डेटा शिफ्ट ऑपरेशन। तो डेटा शिफ्टिंग के केस में टेस्ट करो एलिमेंट किस प्लेस से किस प्लेस पर ट्रांसफर होगा, अगर एलिमेंट एग्जिस्टिंग है उस केस में आई का वैल्यू क्या था, जस्ट 3। इस केस में ए ऑफ आई से इंडेक्स में असाइन क्या कराना है, आई प्लस 1, क्लियर। तो इस केस में जस्ट डेटा को शिफ्ट करने के लिए रिक्वायर्ड क्या होगा, लूपिंग स्टेटमेंट, फॉर लूप इनिशियलाइजेशन रिक्वायरमेंट नहीं, क्योंकि आई का वैल्यू ऑलरेडी रिक्वायर्ड वैल्यू आई के पास ऑलरेडी अवेलेबल है। नेक्स्ट में कंडीशन क्या रहेगा इस केस में, इसे करेंटली अगर देखा जाए तो एन का वैल्यू क्या है 7, अभी तक आपने कंडीशन क्या अप्लाई किया था, आई लेस देन एन और एन का वैल्यू क्या है 7, अगर आई का वैल्यू 7 से छोटा देन उस केस में लूप कंटिन्यू करना था, लेकिन इस केस में लूप कब तक कंटिन्यू करना है, आई लेस देन 7 और आई लेस देन एन और आई लेस देन एन माइनस वन, आई लेस देन एन माइनस वन, क्योंकि एन का वैल्यू क्या है 7। अगर कंडीशन अप्लाई करो आई लेस देन
एन माइनस वन, एन का वैल्यू क्या है जस्ट सी वन, सी वन माइनस वन इज सिक्स। तो इस केस में लूप कब तक चलेगा, जब तक आई का वैल्यू सिक्स से छोटा है। तो इस केस में कंडीशन क्या अप्लाई करोगे, आई लेस देन एन माइनस वन, और एवरी टाइम परफॉर्म क्या हुआ आई प्लस प्लस प्लस। असाइनमेंट किस में हो रहा है, ए ऑफ आई में, ए ऑफ आई में असाइन क्या हो जाएगा वैल्यू ऑफ नेक्स्ट एलिमेंट, और नेक्स्ट एलिमेंट ऑलवेज रेफर किससे हुआ, ए ऑफ आई प्लस वन। क्लियर, चेक कर सकते हो इस लॉजिक को, अगेन ये लॉजिक वैलिड है इनवैलिड है। नेक्स्ट वन, रिसेंटली आई का वैल्यू क्या था थ्री, कंट्रोल का आउटसाइड लूप। नेक्स्ट टाइम इफ कंडीशन टेस्ट हुआ, आई का वैल्यू क्या थ्री और एन का वैल्यू क्या सेवन, थ्री इक्वल इक्वल सेवन कंडीशन इज फॉल्स, सेवन इक्वल इक्वल जीरो कंडीशन इज फॉल्स। इफ के केस में दोनों ही कंडीशन फॉल्स है, इसका मतलब क्या डिलीट ऑपरेशन और डेटा शिफ्ट ऑपरेशन पॉसिबल है, पॉसिबल है। देन इस केस में जस्ट इफ कंडीशन, सॉरी फॉर लूप के केस में कंडीशन टेस्ट हुआ आई लेस देन एन माइनस वन, आई लेस देन एन माइनस वन के केस में जस्ट इसका रिजल्ट क्या आएगा, एन का वैल्यू क्या सेवन, सेवन माइनस वन इज सिक्स, करेंटली आई का वैल्यू क्या है थ्री, थ्री लेस देन सिक्स कंडीशन इज टू, कंडीशन ट्रू है। देन इस केस में आई में क्या स्टोर है थ्री, देन थर्ड इंडेक्स में असाइन क्या हुआ थ्री प्लस वन इज फोर, फोर्थ इंडेक्स का वैल्यू असाइन किस में हो जाएगा जस्ट थर्ड इंडेक्स में, फोर्थ इंडेक्स में फाउंड क्या हो रहा है फिफ्टी, कॉपी किस में होगा थर्ड, ना फोर्टी इज रिप्लेस्ड बाई फिफ्टी। देन आई प्लस प्लस, आई प्लस प्लस के अकॉर्डिंग आई की वैल्यू क्या हो जाएगी जस्ट फोर। नेक्स्ट टाइम अगेन कंडीशन टेस्ट करेंगे, फोर लेस देन सिक्स कंडीशन अगेन ट्रू, कंडीशन ट्रू है देन फिर से परफॉर्म क्या हुआ आई के प्लेस पर क्या आ जाएगा, आई का करंट वैल्यू फोर प्लस फोर प्लस वन क्या होगा फाइव। नेक्स्ट टाइम फिफ्थ इंडेक्स का वैल्यू असाइन किस में होगा फोर्थ इंडेक्स में, फिफ्थ इंडेक्स में क्या फाउंड हो रहा सिक्सटी, सिक्सटी कॉपी किस में हो जाएगा इंडेक्स फोर, फिफ्टी ऑलरेडी शिफ्ट हो चुका है इसलिए फिफ्टी को सिक्सटी से रिप्लेस कराना पॉसिबल है। नेक्स्ट टाइम ये सिक्सटी इस प्लेस पर शिफ्ट हो चुका है, नेक्स्ट टाइम शिफ्टिंग किसके लिए रिक्वायर्ड है सेवेंटी के लिए, तो अगेन आई प्लस प्लस होगा तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी इस केस में फाइव। अगेन फोर लूप के केस में कंडीशन टेस्ट करेंगे, फाइव लेस देन सिक्स कंडीशन इज स्टिल ट्रू, कंडीशन ट्रू देन अगेन शिफ्टिंग ऑपरेशन से अप्लाई होगा। नेक्स्ट टाइम शिफ्टिंग के रिस्पेक्ट में करंटली आई के प्लेस पर क्या आएगा आई का वैल्यू, और आई का वैल्यू क्या है फाइव, इंडेक्स फाइव में जस्ट कॉपी क्या होगा मीन्स प्रीवियस केस में थर्ड फोर्थ इंडेक्स थर्ड इंडेक्स में आसान हो चुका है, फिफ्थ इंडेक्स का एलिमेंट फोर्थ में भी आसान हो चुका है सेकंड केस में। नेक्स्ट टाइम सिक्स इंडेक्स का एलिमेंट आसान किस में होगा फाइव में, तो चेक कर सकते हैं आई का वैल्यू क्या है फाइव और आई प्लस वन क्या हुआ जस्ट सिक्स, तो सिक्स इंडेक्स कॉपी किस में हो जाएगा फाइव इंडेक्स में, सिक्स इंडेक्स में एग्जिस्टिंग एलिमेंट क्या सेवेंटी, देन सेवेंटी शिफ्टेड टू द प्रीवियस पोजिशन। देन लॉजिकली सेवेंटीन प्लेस कैसा हुआ एम्प्टी, मीन्स अब इस केस में लॉजिक प्रीवियस केस में एम्प्टी स्पेस कितने थे थ्री, लेकिन इस केस में लॉजिकली एम्प्टी स्पेस कितने हैं फोर, स्पेशली आर कर इस प्लेस पर फिजिकली अभी भी सेवेंटी अवेलेबल, लेकिन इस केस में लॉजिकली सेवेंटी को आप कंसिडर करो एज नॉट अ पार्ट ऑफ एरे, क्योंकि सेवेंटी ऑलरेडी इसके प्रीवियस पोजिशन में फाउंड हो रहा है। क्लियर, दूसरी प्लेस लॉजिकली कैसा है एम्प्टी, मीन्स अगर आप ए ऑफ सिक्स का वैल्यू डिस्प्ले कराओ उस केस में अभी भी आपको क्या मिलेगा जस्ट सेवेंटी, लॉजिकली इस एलिमेंट को जस्ट इग्नोर करेंगे, क्योंकि एरे के अंदर जस्ट वन एलिमेंट डिलीट करने के बाद एरे का साइज वन से डिक्रीज हो जाएगा, तो डिक्रीमेंट ऑपरेशन कॉलिंग प्लेस पर परफॉर्म कराएंगे। नेक्स्ट वन, इस प्लेस पर जस्ट इस लूप के केस में नेक्स्ट टाइम परफॉर्म क्या हुआ आई प्लस प्लस, आई प्लस प्लस होगा तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी जस्ट सिक्स, देन सिक्स लेस देन सिक्स कंडीशन बिकम फॉल्स, कंडीशन फॉल्स है देन कंट्रोल कहाँ आएगा आउटसाइड लूप, लूप से बाहर आएगा, तो उस केस में लूप से बाहर आपको रिटर्न क्या कराना है रिटर्निंग इंडेक्स ऑफ द सच डिलीटेड आइटम, जिस एलिमेंट को डिलीट किया था फोर्टी उसका इंडेक्स क्या था थ्री, लेकिन अभी आपके पास कहीं भी थ्री फाउंड हो रहा है क्या नहीं, तो इसलिए मैंने आपको बोला था सबसे पहले आपको जिस मीन्स एलिमेंट सर्च होने के बाद जो भी एलिमेंट का इंडेक्स है वो आपको सेपरेट किसी न्यू वेरिएबल में स्टोर कराने की जरूरत होगी, तो उसके इसमें एक और एक्स्ट्रा वेरिएबल क्रिएट करूंगा इनिशियली इंटीजर इंडेक्स, इनिशियल इंडेक्स मैं यूज कर रहा हूँ इसके इसमें एज अ माइनस वन। क्लियर, तो इस प्लेस पर माइनस वन के प्लेस पर आप इंडेक्स भी राइट डाउन कर सकते हो। नेक्स्ट केस, जैसे इस केस में कंट्रोल इस लूप से बाहर आएगा आउटसाइड लूप मीन्स ब्रेक स्टेटमेंट के जस्ट बाद अब इंडेक्स में कॉपी क्या कर लोगे वैल्यू ऑफ आई, तो इस प्लेस पर चाहो तो मीन सर मैं इंडेक्स का वैल्यू इसको शॉर्ट नेम प्रोवाइड कर रहा हूँ आई एन डी। क्लियर, देन इनिशियल आई इसमें जस्ट इंडेक्स में इनिशियली कॉपी क्या कर लेंगे इंडेक्स इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ आई, जब ये लूप स्टार्ट हुआ था उसके इसमें आई का इनिशियल वैल्यू क्या था थ्री, तो वैल्यू ऑलरेडी कॉपी किस में हो चुका है वेरिएबल इंडेक्स में, तो इंडेक्स का वैल्यू क्या है ऑल्सो थ्री, तो कॉलिंग प्लेस से सॉरी कॉल्ड फंक्शन से आप रिटर्न क्या कराओ वैल्यू ऑफ इंडेक्स, दिस इज द
वैलिड ऑप्शन। इसे लॉजिक सभी सिचुएशन में वर्क करें, मीन्स किसी भी सिचुएशन में इस प्रोग्राम के फॉल्स होने की चांसेस नहीं। नेक्स्ट वन, अभी तो मैंने सिंपली लॉजिक्स प्रोवाइड किए, लेकिन किसी भी प्रोग्राम को क्रिएट करने के लिए जस्ट बेसिक स्टेप्स क्या होते हैं। अभी एलिमेंट शिफ्ट तो हो चुके हैं, लेकिन अभी चेक करो लॉजिकली अभी भी एरे का साइज क्या फाउंड हो रहा है स्पेस पर, करंट साइज क्या हो रहा है 7, जबकि रियल में करंट साइज 7 है 6 है, 1 2 3 4 5 6, वन एलिमेंट डिलीट होने के बाद एरे का साइज जस्ट 1 से लेस होगा, लेकिन एन में अभी क्या फाउंड हो रहा है 7। तो 7 चेंजेस कहाँ करोगे इसमें, जस्ट इट्स कॉलिंग प्लेस बेस्ड ऑन दिस रिटर्न वैल्यू। इस फंक्शन से रिटर्न क्या हुआ, आइदर -1 और इंडेक्स पोजिशन, क्लियर। अगर कॉलिंग प्लेस पर -1 रिटर्न हुआ है, देन उस केस में आपको सबट्रैक्शन करने की जरूरत है क्या, नहीं रीजन, क्योंकि अगर -1 रिटर्न हुआ इसका मतलब क्या है, डिलीट ऑपरेशन अप्लाई नहीं हुआ, कोई एलिमेंट डिलीट ही नहीं हुआ। जब डिलीट ही नहीं हुआ तो साइज को सबट्रैक्ट करने की या डिक्रीज करने की नीड नहीं है। डिक्रीज कब करा हुआ, अगर वैलिड इंडेक्स रिटर्न हुआ है, क्लियर। तो इस केस में नेक्स्ट वन, मेन फंक्शन को इंप्लीमेंट करें, मेन के रिस्पेक्ट में बेसिक स्टेप्स क्या है, सबसे पहले मेन के अंदर प्रोवाइड करेंगे वेरिएबल डिक्लेरेशंस, देन सेकंड रिक्वायर्ड केस क्या हो, मेन के अंदर वेरिएबल डिक्लेरेशन प्रोवाइड करने के बाद जस्ट रीडिंग इनपुट्स फ्रॉम अ कीबोर्ड, रीडिंग इनपुट्स, इनपुट रीड करने के बाद देन थर्ड स्टेप क्या है, जस्ट अप्लाइंग लॉजिक्स और रिक्वायर्ड लॉजिक्स व्हिच यू वांट टू परफॉर्म। नेक्स्ट वन, डिस्प्लेइंग रिजल्ट्स और आउटपुट, मीन्स आउटपुट और रिजल्ट्स को डिस्प्ले कराना। फर्स्ट केस डिक्लेरेशन के रिस्पेक्ट में, मेन के अंदर रिक्वायर्ड डिक्लेरेशन क्या है, रिक्वायर्ड डिक्लेरेशन क्या, एरे और साइज ऑफ एरे, एरे ए विद मैक्स साइज 10 प्लस करंट साइज किसके थ्रू मैनेज करेंगे, एन के थ्रू, प्लस एरे के एलिमेंट को इंडेक्स वाइज मैनेज करने के लिए रिक्वायर्ड क्या हो, इटरेटिव वेरिएबल आई, प्लस जैसे एलिमेंट को आप डिलीट करना चाहो मेन के अंदर कॉल क्या करेंगे, डिलीट फंक्शन, तो डिलीट के अंदर थर्ड आर्गुमेंट क्या पास करोगे, आइटम, जो कि आपको कीबोर्ड से रीड करने की जरूरत होगी। तो एक और एक्स्ट्रा वेरिएबल क्या रिक्वायर्ड होगा मेन के अंदर, आइटम वेरिएबल विच यू वांट टू डिलीट, क्लियर। इस केस में 4 डिक्लेरेशन में बिगिनिंग में ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुका हूँ। नेक्स्ट वन, सेकंड केस क्या, रीड ऑपरेशन, रीड ऑपरेशन के केस में जस्ट परफॉर्म करा हुआ रीडिंग इनपुट्स, जब तक आपका इनपुट ही नहीं हुआ प्रोग्राम को प्रोसेस करना पॉसिबल ही नहीं। तो इनपुट के रिस्पेक्ट में ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए रिक्वायर्ड इनपुट्स क्या है, सबसे पहले एरे का करंट साइज रीड करेंगे यूजिंग कीबोर्ड, और करंट साइज किसके थ्रू मैनेज हो रहा है यूजिंग वेरिएबल एन, मीन्स एन का वैल्यू रीड करने की जरूरत होगी। तो नेक्स्ट केस में जस्ट स्कैन ऐप के थ्रू रीड किया हो रहा है वैल्यू ऑफ एन, एक बार एन का वैल्यू रीड कर लिया देन नेक्स्ट टाइम एरे के लिए एलिमेंट्स रीड कराओ, कितने एलिमेंट रीड करने की जरूरत होगी, एन एलिमेंट्स। नेक्स्ट टाइम रीड क्या कराएंगे, एन एलिमेंट्स फॉर गिवन एरे, तो जैसे एन का वैल्यू 7 है तो आपको कितनी बार लूप चलाना होगा, स्कैन फंक्शन कितनी बार एग्जीक्यूट करना होगा, 7 टाइम। तो 7 टाइम डायरेक्टली फिजिकली राइट डाउन करके सिंपली लॉजिक मीन्स लॉजिकली इस लूप का एग्जीक्यूशन कितनी बार हो रहा है, एन टाइम्स। तो स्कैन के थ्रू एलिमेंट्स भी कितने रीड होंगे, एन एलिमेंट्स। तो नेक्स्ट केस में परफॉर्म क्या हो रहा है, रीडिंग एलिमेंट्स फॉर गिवन एरे, एरे के एलिमेंट डिलीट रीड करने के जस्ट बाद देन इसके बाद नेक्स्ट इनपुट क्या रिक्वायर्ड होगा, एलिमेंट विच यू वांट टू डिलीट, मीन्स इस एलिमेंट को डिलीट करना चाहते हो, एलिमेंट भी आपको कीबोर्ड से रीड कराना, तो जस्ट इसके बाद रीड क्या कराएंगे, वैल्यू ऑफ आइटम, क्लियर। तो नेक्स्ट केस में चेक कर सकते हो जस्ट इस केस में स्कैन ऐप के थ्रू रीड क्या हो रहा है, वैल्यू ऑफ आइटम, मीन्स यहाँ पुट्स के थ्रू जस्ट मैंने बेसिक आउटपुट डिस्प्ले कराएं जैसे आपके लिए परफॉर्म करना पॉसिबल, मीन्स करेंटली किस टाइप का इनपुट रिक्वायर्ड है या इंपोर्टेंट किस क्या है, स्कैन एफ, क्लियर। नेक्स्ट टाइम रीड क्या हो रहा है, वैल्यू ऑफ आइटम, मीन्स टोटल 3 टाइप्स के इनपुट्स नीड करने रीड करने की नीड है इस केस में, सबसे पहले करंट साइज ऑफ एरे और इनिशियल साइज ऑफ एरे, देन एन एलिमेंट्स फॉर एरे, देन वैल्यू फॉर डिलीटेड आइटम। नेक्स्ट टाइम आप अप्लाई क्या कराओगे, लॉजिक्स, लॉजिक के रिस्पेक्ट में जस्ट आप किस टाइप के ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे हैं, डिलीट ऑपरेशंस, डिलीट ऑपरेशंस के रिस्पेक्ट में जस्ट इस केस में डिलीट कौन सा एलिमेंट कर रहे हैं, गिवन आइटम, गिवन एलिमेंट को डिलीट करने के रिस्पेक्ट में जस्ट आपको बस लॉजिक ऑलरेडी किस फंक्शन में, डिलीट फंक्शन के अंदर, डिलीट फंक्शन के केस में जस्ट बात करें जिस प्लेस पर आपको लॉजिक्स रिक्वायर्ड होंगे डिलीट ऑपरेशन, सिंपली इस प्लेस पर कॉल क्या कर लो, डिलीट फंक्शन वाइज सप्लाइड बाई रिक्वायर्ड इनपुट्स, देन डिलीट फंक्शन से रिटर्न क्या हुआ, आइदर -1 और वैलिड इंडेक्स, देन डिलीट फंक्शन को कॉल करने के बाद मीन्स अगर एलिमेंट सक्सेसफुली डिलीट हुआ है या नहीं हुआ है इसको डिलीट को कॉल करा हुआ इन द फॉर्म ऑफ इफ कंडीशन, देन इसका रिटर्न वैल्यू कंपेयर करेंगे, अगर रिटर्न वैल्यू -1 के इक्वल नहीं है देन इसका मतलब क्या, डिलीट ऑपरेशन सक्सेसफुली परफॉर्म हुआ, देन उसके साथ जस्ट एरे का साइज 1 से सबट्रैक्ट करा, मीन्स परफॉर्म क्या करा हुआ इसके में एन --। तो लॉजिक के रिस्पेक्ट में आपको जस्ट कॉल क्या करना है, डिलीट फंक्शन, और डिलीट फंक्शन के बाद एन -- होगा तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, जस्ट 6। तो नेक्स्ट टाइम चेक करो इस केस में इफ कंडीशन के फॉर्म में कॉल क्या हो रहा है, डिलीट फंक्शन,
प्लस डिलीट फंक्शन से जो भी वैल्यू रिटर्न होगा वो मैच कैसे करा माइनस वन से. सपोज दैट इस प्लेस से माइनस वन रिटर्न हुआ है, माइनस वन नॉट इक्वल टू माइनस वन, कंडीशन बिकम फॉल्स. कंडीशन फॉल्स है देन उस केस में कोई डिलीट ऑपरेशन, देन उस केस में साइज सबट्रैक्शन होने के चांसेस हैं क्या? नहीं. अगर कंडीशन ट्रू है देन इस केस में जस्ट परफॉर्म क्या हुआ, एन माइनस माइनस इन द फॉर्म ऑफ कंडीशन. इसे एन माइनस माइनस कंडीशनली परफॉर्म हुआ, ऐसा नहीं कि आप डायरेक्टली सभी केस में एन माइनस माइनस करोगे. अगर ऑपरेशन है, अगर एलिमेंट डिलीट हुआ, देन ओनली आपको जस्ट साइज सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत है, साइज रिड्यूस करने की जरूरत है, अदरवाइज साइज में कोई इफेक्ट हुआ क्या? नहीं. नेक्स्ट ऑपरेशन डिस्प्लेइंग रिजल्ट्स. तो डिस्प्ले करने के रिस्पेक्ट में जस्ट आपने ऑपरेशंस अप्लाई किसके लिए किए थे? एरे के लिए. तो रिजल्ट्स भी किस फॉर्म में रिफ्लेक्ट हुए? इन द फॉर्म ऑफ एरे. तो नेक्स्ट टाइम जस्ट जो भी आपने चेंजेस परफॉर्म किया, डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म किए हैं, मीन्स डिलीट ऑपरेशन को वेरीफाई करने के लिए जस्ट डिस्प्ले किया करा हुआ एलिमेंट ऑफ एरे. तो एलिमेंट डिस्प्ले कराने के लिए नेक्स्ट टाइम मैंने लूप यूज किया फॉर डिस्प्लेइंग एलिमेंट. मीन्स इस केस में मैंने स्टेप बाय प्रोसेस फॉर्वर्ड किया जिससे आपके लिए स्टेटमेंट राइट डाउन करना पॉसिबल हो. इस केस में इंपॉर्टेंट टर्म क्या था? डिलीट फंक्शन नॉट अ मेन फंक्शन. मेन फंक्शन के जस्ट बेसिक स्टेप्स हैं जो इजीली परफॉर्म करना पॉसिबल है. नेक्स्ट केस में परफॉर्म करेंगे हाउ टू डिलीटिंग गिवन एलिमेंट, हाउ टू डिलीटिंग आफ्टर गिवन. इस केस में जस्ट डिलीट क्या कराया था? गिवन एलिमेंट. नेक्स्ट टाइम डिलीट कराएंगे आफ्टर गिवन और बिफोर गिवन.